हेलो फ्रेंड, मैं कबगरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट के बारे में बताएंगे कि एयर फिल्टर कैसे रिप्लेसमेंट होता है। ये देखिए, जो हमारे वो बॉक्स से दिख रहा है ब्रेक सा, उसमें एयर फिल्टर फंसा रहता है। वही एयर फिल्टर को ढक्कन खोलकर एयर फिल्टर बाहर निकालते हैं। एयर फिल्टर बाहर निकाल कर हम उसको चेक करते हैं कि एयर फिल्टर चोक है कि नहीं है। तभी इनका एयर फिल्टर चोक नहीं है, मतलब इनका एयर फिल्टर अभी सही है, प्रॉपर सही काम करेगा। एयर फिल्टर लगभग 20,000 किलोमीटर के बाद थर्ड सर्विस में चेंज होता है, लेकिन कभी कंडीशन के हिसाब से अगर एयर फिल्टर ख़राब हो गया है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। एयर फिल्टर ना चेंज करने से अगर एयर फिल्टर चोक है तो उससे कई प्रॉब्लम आ सकती है। गाड़ी बाइक कंप्रेसर हो सकती है, पिकअप नहीं लेती है, गाड़ी में पिकअप का प्रॉब्लम और बाइक कंप्रेसर का प्रॉब्लम आ जाता है। एयर फिल्टर कभी भी एयर प्रेशर से साफ़ नहीं करवाना चाहिए, उसको ऐसे पीट कर ज़मीन पे हल्का सा हवा निकाल देना चाहिए, जिससे उसमें जो गर्द गुब्बार हो वो बाहर निकल जाए। अगर आप प्रेशर से एयर फिल्टर साफ़ करवाते हैं तो उसका एक भी लीफ पत्ती जो है कागज़ की होती है, अगर फट जाएगा तो उस डस्ट एयर फिल्टर के द्वारा इंजन में जाएगा, इंजन को सीज कर देगा। तो इसीलिए आपको कभी भी एयर फिल्टर ज़मीन पर पटक कर उसको साफ़ करना चाहिए, न कि प्रेशर से मरवाना चाहिए। अगर प्रेशर से आप मरवाते हैं तो उसको सिर्फ अंदर से मरवाना चाहिए, बाहर से नहीं। क्या एयर फिल्टर रिप्लेस हो जाने के बाद आपकी गाड़ी का पिकअप भी बढ़ जाएगा और गाड़ी का रेस भी बढ़ जाएगा। तो ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।